प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दौरान भारतीय जनता पार्टी भिलाई द्वारा बुलडोजर और कार रैली निकाली गई। रैली का आरंभ स्लाटर हाउस सुपेला से हुआ और समापन कैंप 2 स्थित बैकुंठ धाम मंदिर परिसर में हुआ। बुलडोजर रैली में मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी भिलाई द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने भव्य बुलडोजर और कार रैली का आयोजन किया गया। बुलडोजर रैली के इस आयोजन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू मुख्य रूप से उपस्थित हुए। यहां भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा अमित साहू का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य छोटू चावला, व्यापार प्रकोष्ठ के भिलाई जिला संयोजक मधु शाह, इंद्रजीत सिंह, मीनाल चौहान आदि सहित अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा अमित साहू को लड्डुओं से तौला गया। तत्पश्चात अमित साहू सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों के बीच लड्डुओं का वितरण किया गया। लड्डू वितरण के उपरांत डीजे के बीच बुलडोजर और कार रैली का शुभारंभ शंखनाद के साथ हुआ। खुली जीप में सवार अमित साहू लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। स्लाटर हाउस से निकली बुलडोजर रैली सुपेला चौक, गदा चौक 18 नंबर रोड कैंप 1 होते हुए कैंप 2 स्थित बैकुंठ धाम मैदान पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर एक अलग हर्ष व्यक्त है, क्योंकि खास करके हमने चार राज्य जीती तो जीती, और खास करके उत्तर प्रदेश में भारत की राजनीति रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ऐसा भी एक मिथक था कि जो सरकार एक बार रहती है दोबारा नहीं आती, मगर उस मिथक को तोड़ते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। वहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में महाराज योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे हैं, और यहाँ पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक उनके हर्ष में, उनके उल्लास में और चारों राज्यों को जीतने की खुशी में यहाँ पर ढोल लंगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर और एक बुलडोजर यात्रा जो आज उत्तर प्रदेश का एक प्रतीक बन चुका है बुलडोजर, उस बुलडोजर यात्रा को निकालकर हम सभी अपनी खुशी जता रहे हैं। और आने वाले समय में इसी जोश और उल्लास के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बुलडोजर रैली को लेकर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य छोटू चावला, भारतीय जनता युवा मोर्चा के इंद्रजीत सिंह और व्यापार प्रकोष्ठ के भिलाई जिला प्रचार प्रसार मंत्री मीनाल चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं छोटू चावला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़। बड़े खुशी का विषय और हर्ष हो रहा है मुझे कि कल योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और यह इतिहास बनाया, क्योंकि वहाँ पर आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने दूसरा कार्यकाल कंटिन्यू नहीं किया, और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ विजय हासिल की है ऐतिहासिक था। और वहाँ पर जो चुनाव जीता गया योगी जी और मोदी जी के नाम से ही जीता गया, और उसी की खुशी का माहौल भिलाई में देखने को मिला। और एक हम लोग ने बहुत सुंदर बुलडोजर रैली, जिसमें कम से कम 6-7 बुलडोजर और कम से कम 20 कार का काफिला स्लाटर हाउस से चालू हुआ और बैकुंठ धाम में जाकर रामनगर, सुपेला, वैशाली नगर, जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, और वहाँ से वहाँ पर आम सभा के रूप में परिवर्तित हुआ। और इस कार्यक्रम को प्रमुख रूप से हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी और हमारे प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य राकेश पांडे जी के नेतृत्व में ये चला, और जैसा माहौल भिलाई में बना उससे ये प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो मनमानी कर रही है, जो अपना बगैर विकास के सिर्फ जो अपना सरकार वो 3 साल से चला रही, उनके जाने का समय हो गया है, और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी बुलडोजर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी पुनः आएगी। और कल यहाँ पर हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को लड्डुओं से तोला गया, और पूरे रैली में समाज को, जनता को मुंह मीठा हम लोग ने लड्डुओं से करवाया, और बड़े खुशी माहौल में योगी जी के शपथ का उत्सव मनाया, विजय यात्रा मनाई, शपथ यात्रा मनाई, और क्षेत्र के बदलाव की यात्रा मनाई। इसी के साथ पुनः योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने की बधाई देता हूं, और अपनी टीम की तरफ से और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनको बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं इंद्रजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ से। 25 मार्च को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो शपथ ग्रहण की है, उसकी खुशी मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कल रैली निकाली थी, बुलडोजर रैली निकाली थी,
उसका पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बुलडोजर रैली जो है वो ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का बुलडोजर चलने वाला है। और जिस तरह से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की है छत्तीसगढ़ की, उस तरह से यहाँ के प्रदेशवासी एक बार और छत्तीसगढ़ की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देगी और सफलतापूर्वक विकास कार्य फिर से होगा। जिस तरह से विकास कार्य अभी रुक गया है और अब जो है लोगों को भी समझ में आ गया है कि विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा विकास का कार्य शुरू करेगी, आने वाले समय में चुनाव जीत के दोबारा छत्तीसगढ़ की कमान संभालेगी। और इस तरह मैं योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा बधाई देता हूँ यूपी की कमान संभालने के लिए। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं मिनाल चौहान, जिला प्रचार प्रसार मंत्री, व्यापार प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। आप सबको बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कल यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने जो शपथ समारोह ली है उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी भिलाई में एक बुलडोजर रैली का आह्वान किया था, जिसकी शुरुआत स्लाटर हाउस से होते हुए सुपेला, घड़िया, गधा चौक, रामनगर, वैशाली नगर होते हुए 18 नंबर और बैकुंठ धाम मदर टेरेसा नगर में जिसका समापन हुआ, और जिसमें हमारे आदरणीय राकेश भैया, राकेश पांडे जी, और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी, और इंदर भैया युवा मोर्चा से, हमारे परम आदरणीय छोटू चावला जी, मधु शाह जी और जितने भी कार्यकर्ता थे, सब बहुत हर्षोल्लास से इस रैली को उन्होंने स्वागत किया। और जिस प्रकार से इस रैली का हमने आगमन किया है, हम चाहते हैं आने वाले समय में जनता हमको प्रेम दे और हमारी सरकार बने, क्योंकि इस सरकार में, अभी कांग्रेस सरकार में, बस इन लोग आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। और हम आने वाले समय में भी बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं, कंटिन्यूसली हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे और जनता के बीच जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं बुलडोजर रैली की खास झलकियाँ।
ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।